हमेशा ये कहा जाता है कि IMF की कड़ी शरारत के बाइस ये सब चीजें करनी पड़ती है, रेट बढ़ाने पड़ते हैं। आप क्या इतफाक करें? देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि IMF की कड़ी शरारत आती है ना, आप किसी से पैसे लेने जाएंगे, मैं ही लेने चला जाता हूँ, मुझे उसकी बातें माननी पड़ेगी ना। लेकिन अच्छा, एक दफा मैं गया हूँ, मैंने उसकी बातें मान ली है, मुझे पता है कि जब मैं दोबारा भी इसके पास आऊंगा तो मुझे इससे भी शायद सख्त बातें माननी पड़ेगी, इसको मेरी मजबूरी का पता लग जाएगा। आम जिंदगी में भी अपने देखने तो ऐसे ही होता है, आप किसी से एक दफा की चीज मानते हैं, दूसरी दफा मानते हुए आपको शर्मिंदगी फील होती है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते हैं कि जिससे आपको दूसरी दफा वो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, आपको जाके वो तरले मेहनत ना करनी पड़े। मैं किसी भी बात करता हूँ, क्या हमारी किसी भी हुक्मरान ने, हमारे किसी भी गवर्नमेंट ने, पॉलिसी साझदारों ने कभी ये सोचा है कि हमें जाके शर्मिंदा ना होना पड़े? ये मैं कहता हूँ पॉलिसी अपनी तो 50-50 गाड़ियों के लश्कर काम करें, अपनी तो जिंदगी को ऐसा करें कि वो एक नमूना बन जाए, लोगों की जिंदगियां बेहतर होनी शुरू हो जाए। देखें, आप मेरे एरिया में पैसे नहीं होंगे और मैं जिंदगी ऐसी गुजारने की कोशिश करूं कि जिसका मिसाल उससे भी बड़ी हो जाए, तो जिसकी जेब में करोड़ों पड़ा हो, फिर फायदा नहीं है ना बात करने में। मेरी सिर्फ यही बात है, देखिए IMF कहता है टैक्सेस लगाएं, अच्छा लगाएं, वो ये नहीं कहता टैक्सेस लगाएं, वो कहता अपने एक्सपेंसेस कम करें, अपनी इनकम को इंक्रीज करें। वो तो सही कह रहे हैं, वो कहते हैं अपने एक्सपेंसेस कम करें, आपने जो खर्चे हैं उनको कम करें। अच्छा, खर्चे कम करके आपने इनकम बढ़ानी है ना, इनकम इंक्रीज करें तो आप खर्चे कम करें। अगर आप टैक्सेस इतने लगाते हैं, अच्छा आप वक्त ये आ गया है कि आपकी एक्सपोर्ट्स डाउन होगी, आपकी लोकल इंडस्ट्री 50% टेक्सटाइल बंद होगी, पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री जो है उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, डॉलर ऊपर जाने की वजह से और इतना हाई होने की वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से आपकी हर इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल शॉर्ट होना शुरू हो गया। या बांग्लादेश में उतरी होगी, बांग्लादेश भी अभी ओमान में भी बड़ी फैसिलिटीज दी है, वो तो एक अलग चैप्टर है कि आपकी इंडस्ट्री यहाँ से दौड़ क्यों रही है। ठीक है, मैं लोकल इंडस्ट्री की बात करता हूँ जो यहाँ अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो सारी की सारी इंक्रीज होगी, आपकी एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज होगी, आपकी हर चीज जब वो इंक्रीज हुई तो, लेकिन आम आदमी की बाइंग पावर इंक्रीज नहीं हुई, वो नहीं बढ़ी। तो जाहिर सी बात है कि जहां जिस यूनिट के प्रोडक्ट 100 पीसेस बिकते थे वो कहीं 50 रह जाएंगे, कोई 60 हो गए, कोई 80 हो गए, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन स्केल कम हो गया। जब प्रोडक्शन स्केल कम हुआ तो आपके टैक्सेस भी कम हो जाएंगे, तो आपकी इनकम कम होगी। ठीक है, IMF कह रहा है इनकम बढ़ाएं, आपकी इनकम कम होगी, आप टैक्सेस की रेशियो बढ़ाना शुरू कर देते, आप छापे मार रहे हैं, आपके महकमे FBI और दूसरे महकमे जो है वो जबरदस्ती इन्फोर्समेंट से टैक्सेस लेना शुरू कर रहे हैं, इंडस्ट्री की सेल हो नहीं रही, आपकी मार्केटों में बिजनेस कम हो रहा है, आपकी टेक्सटाइल वीक हो गई, आपकी लोकल इंडस्ट्री दूसरी वीक। अच्छा, अब एक तरफ डाउनफॉल है, आपको पैसे चाहिए, IMF की शरारत भी पूरी करनी है, लेकिन जो सबसे मेजर इम्पैक्ट है कि इन सारों को मीट करने के लिए आपको एक्सपेंसेस कम करने हैं, उसकी कोई एक मिसाल सामने नहीं आ रही। इसलिए मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, बल्कि कोई भी ऐसा शख्स जो बिजनेस करता है या जिसके पास कोई कैलकुलेशन होंगी, वो ये नहीं मानेगा कि IMF आपको कर्जे आपको टैक्सेस लगाने का कहता है, या IMF कहता है कि आप हमारा पैसा देने के लिए अपने एक्सपेंसेस कम करें, अपनी इनकम जनरेट करें। ठीक है, ठीक है, आप उसके लिए सिर्फ एक सोर्स ढूंढते हैं कि लोगों पर टैक्स लगा, आप इनका बस चले गए, मतलब गरीब आदमी का या बिजनेस में। देखिए, जब सेल टैक्स इम्पोर्ट पे लग गया ना, तो आप भी बंदे पे भी लग गया, जो उसने प्रोडक्ट में माल इम्पोर्ट हुआ, आपने सेल टैक्स उस पर एडवांस जमा कराना है, आपने फैक्ट्री से निकाला, आपने उस पर सेल टैक्स जमा कराना है, आपने दुकान पे रेडी किया, आपका POS सिस्टम है, आपने वहां पे टैक्स देना है,
ये चीज के पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया जाता, पाकिस्तान में इनडायरेक्ट हर चीज से हर शख्स से टैक्स लिया जाता है। एक चीज टैक्स सिस्टम में बहुत गलत है, जो हमारे यहाँ एक बड़ा गलत आइडिया का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं हमेशा से क्रिटिसाइज करता हूँ, एक वर्ड है नॉन फाइलर। जी जी। नॉन फाइलर क्यों? एक बंदा गाड़ी लेता है 5 करोड़ की, वो नॉन फाइलर में जाके 3% टैक्स दे के अपनी गाड़ी रजिस्टर करा के एंजॉय कर रहा है, और एक बंदा 5 करोड़ के लिए 75 जो होकर रजिस्टर्ड है टैक्स देता है 39% तक, और वो फाइलर हो गए 39% टैक्स दे, और एक बंदा नॉन फाइलर रह के 3% या 5% टैक्स दे के अपना काम कर रहे। तो आप ये चीजें गलत है, ये पॉलिसीज गलत है। IMF का प्रेशर होगा, मैं नहीं कहता नहीं होगा, जो पैसा देगा वो सर पे चढ़ाई करेगा, लेकिन आपने जो ठीक होना है ना, आप आज भी फटाफटा के नाम पे फ्री इंडस्ट्रियल जोन बना के बैठे हुए, आप आज भी कश्मीर के नाम पे फ्री इंडस्ट्रियल जोन बना के बैठे हुए, और इधर जिनको आपने फेडमिक है आपका ये शेखुपुरे में और जो फ्री जोन है, आपने उनके ऊपर सिर्फ एक था कि इनकम टैक्स की छूट थी, ठीक है, वो भी 1% आ गया परसेंट, जिसने कमाना उसी ने देना, आपने वो भी खत्म करके 1.25% टर्नओवर टैक्स लगा दिया। आप कारोबारी आदमी को जिंदा रहने का मौका नहीं दे रहे, आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बनाते हैं अपनाए बगैर सोचे समझे, फटाफटा में। अच्छा, फटाफटा में जो आपने इंडस्ट्री लगवाई उसका क्या होता है, कभी बैठ के डिस्कस करके देख लें, कोई जवाब नहीं आएगा। उससे आपको क्या फायदा हुआ, कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई, कितना वहां पे लोगों को रोजगार मिला, क्या कोई कोई है ही।